विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, सभी के लिए विज्ञान का उत्सव, यह इस आयोजन का टाइटल है। मूलतः हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये आयोजन किया जा रहा है और भारत सरकार के विभिन्न संस्थाओं का सहयोग इसमें है, जुड़ाव है और 75 स्थानों को चुना गया है जहां ये कार्यक्रम एक साथ आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के लिए यह गौरव की बात है और हमारे विश्वविद्यालय के विशेष कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को इस आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। तो हम 22 से 28 फरवरी तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस का आयोजन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उद्घाटन होगा 22 तारीख को दिल्ली से, साथ ही हम भी यहाँ आयोजन करेंगे स्थानीय स्तर पर उद्घाटन का, और लगातार विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम चलेंगे जिसके अंतर्गत 75 पोस्टर प्रदर्शित किए जाएंगे, 75 फिल्में दिखाई जाएगी, 75 विज्ञान की पुस्तकों का प्रदर्शन होगा, 75 व्याख्यान होंगे। ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं वह चूँकि अमृत महोत्सव है, आज़ादी का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, इसलिए ये संख्या भी 75 रखी गई है और 75 हम पुरस्कार भी देंगे, अलग अलग प्रतियोगिताएं भी आयोजित करेंगे इस बीच, ताकि विद्यार्थियों को इसकी जानकारी हो, मोटिवेट हो, वो कुछ विज्ञान के बारे में अपना प्रदर्शन कर सकें उस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम पूरी तरह उस आज़ादी के अमृत महोत्सव को विज्ञान की प्रगति को दिखाते हुए और जन जन तक उसको पहुंचाने के लिए बहुत ही राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए ताकि पूरा देश इसको बड़े उत्साह के साथ सेलिब्रेट करे। तो इसी को हम भी चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरह रायपुर में इसका आयोजन हो और जिसके अंतर्गत हम लगातार वैसे ही यहाँ भी 22 से 28 तारीख तक इसका आयोजन करेंगे। हम चाहते हैं कि ये आयोजन बहुत अच्छा हो, लोगों तक इसकी पहुँच हो और जो व्याख्यान, जो प्रदर्शनी या जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका लाभ विद्यार्थियों के साथ साथ पूरी जनता को भी मिले, उसे जनता की भागीदारी हो। यह एक प्रकार से महोत्सव है, उत्सव है। हम इसमें ये हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है, पूरा वर्ष है और गौरव और अपने स्वाभिमान को प्रदर्शित करने का भी एक अवसर है। तो हम चाहते हैं कि आप सबकी भागीदारी हो, इसका प्रचार प्रसार हो अच्छी तरह। तो स्वाभाविक है कि इसको हम बहुत ही उल्लासमय वातावरण में मना सकेंगे और हम अपने बच्चों के लिए बेहतर कार्यक्रम कर सकेंगे।